इन्होंने अब शब्दों का प्रयोग करते हुए कहा कि चढ़ा दो इन पे गाड़ियां। मैं जल्दी से गाड़ी के अंदर घुस गया। सलमान बेचारा गाड़ी के अंदर नहीं आ पाया। मेरी जनता से अपील है कि ऐसे हत्यारों को वोट ना दे। मेरी जनता से, राजनगर विधानसभा की जनता से अपील है, ऐसे हत्यारों को वोट ना दे जिन्होंने मेरी आंखों के सामने मेरे सलमान भाई को गाड़ियों से कुचल डाला। भाई नमस्कार, मैं आप सभी के बीच में एक बात रखना चाहता हूं। आज जब मैं सुबह मतदान के लिए उठा तो मुझे पता चला फेसबुक के माध्यम से कि माननीय विधायक जी के द्वारा एक आरोप लगाया जा रहा है कि मेरी गाड़ी के द्वारा एक व्यक्ति की हत्या की गई है। मैं आप सभी को यह बता देना चाहता हूं कि जिस प्रकार की विधायक जी के द्वारा गंदी राजनीति की जा रही है या मौत पर राजनीति कर रहे हैं, ये बहुत ही निंदनीय है। मैं उनसे यह कहना चाहता हूं, जनता जनार्दन से भी यह अपील करना चाहता हूं कि इस प्रकार की कोई भी अफवाह में ना पड़े। ये हमेशा झूठ की राजनीति करते आए, 20 साल हो गए, जनता जाग चुकी है। ये भगवान से झूठ बोलने से नहीं डरते, तो ये तो इंसान है। तो मेरा आप सभी से यह कहना है कि आप इस प्रकार के कोई भी भ्रम में ना पड़े। यह मुझे बदनाम करने का षड्यंत्र है। ये मौत पर भी राजनीति करने से नहीं चूकते हैं। मेरा यहाँ पर आप सभी से कहना है कि मैं अगर दोषी पाया जाता हूँ, अगर मैं दोषी हूँ तो मैं प्रशासन से भी यह आग्रह करता हूँ कि इसकी जो न्यायिक जांच हो वो कराई जाए और दोषी पर सख्त कार्रवाई की जाए। मैं आपको बता दूं कि लगभग कल इनने पूरे दिन विधायक जी के गुर्गों के द्वारा और विधायक जी के द्वारा तांडव किया गया। यहाँ तक कि रानी साहब के द्वारा रात को 11 बजे नए गांव में जाकर के 10 गाड़ियों के द्वारा जाकर के वहां पर हमला टाइप किया गया। लोग वहां से भागे बेचारे। एक भमीठा में जाकर के इनके लोगों ने एक जो हमारा कार्यकर्ता था उसके गर्दन पर तमंचा रखा और कहा कि चले जाओ घर, नहीं तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे। गोरा में एक अहरवार समाज के हमारे भाई हैं, उनको छेक करके, उनको रास्ते में रोक करके, उनको भी हमला करने के लिए प्रयास किया, वो बेचारे दौड़ करके भागे। यह सब शिकायतें मैंने SDOP साहब से भी की, चारों बार मैंने TI साहब को भी फोन लगाया, लेकिन यह अपने करतूतों से नहीं माने। फिर लास्ट में मुझे ये पता चला है कि रनीफार रोड पर जा रहे थे, नशे के धुत में सभी लोग भयानक नशे में थे, विधायक जी भी नशे में थे और इनों की गाड़ियां टकरा गई और एक व्यक्ति की मौत हो गई, जिसका जिम्मेदारी मुझे ठहरा रहे हैं। मैं फिर यही कहूंगा प्रशासन से कि अगर मैं दोषी पाया जाऊं तो मुझे सजा दी जाए, नहीं तो अगर ये दोषी है तो इनको भी सजा दी जाए।